रेलवे जोन के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मुहर लगते ही भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन प्रस्तावों को लागू किए जाने के बाद रेलवे यात्री टिकट को प्रिंट कराना बंद कर देगा। स्टेशन मास्टर सिग्नल मेंटेनर के रूप में भी काम करेंगे। टीटी की जगह आरपीएफ स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद टेक्नीशियन टिकट की जाँच करेंगे। बदलाव संबंधी ये सभी प्रस्ताव रेलवे को उसके अलग अलग जोन से प्राप्त हुए हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा अभी भी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि रेलवे बोर्ड परिचालन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को कई कामों के लिए प्रशिक्षित कर और बहुकुशल बनाने की योजना बना रहा है। रेलवे बोर्ड 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद से ही अपनी 8 सेवाओं को केंद्रीय सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में एकत्रित करने के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव अभी भी आ रहे हैं और इस मामले पर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि एक बार पूरी प्रक्रिया होने के बाद रेल नेटवर्क में कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकेगा। इन प्रस्तावों में से एक के मुताबिक रेलवे को भी एयरलाइंस की तर्ज पर टिकट की प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि यात्रियों को अपने मोबाइल पर ही टिकट देखने के लिए अनुमति देनी चाहिए। हवाई अड्डों पर लगे सेल्फ प्रिंटिंग बोर्डिंग पास की तरह ट्रेन यात्रियों को भी सेल्फ टिकट प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट करने की सुविधा दी जानी चाहिए। एक अन्य रेलवे जोन के प्रस्ताव में कहा गया कि ट्रेन में मौजूद रहने वाले टेक्निकल स्टाफ को टिकट चेक करने की ड्यूटी में लगाया जा सकता है, जबकि एक अन्य ने सुझाव दिया कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को स्टेशनों पर टिकटों की जाँच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्ताव के मुताबिक रेलवे टेक्निकल स्टाफ को टिकटों की जांच और कोचों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही रिटायरिंग रूम अटेंडेंट और वेटिंग रूम अटेंडेंट को मर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रस्तावों में सभी टिकट चेकिंग, आरक्षण और पूछताछ से जुड़े सभी पदों को वाणिज्य विभाग विलय करने की बात कही गई है। इन तीन जोन के प्रस्तावों के अनुसार राजमिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई, फिल्टर, वॉलमैन और टेक्नीशियन के पदों का विलय किया जा सकता है। साथ ही रेलवे वर्तमान में चल रहे मेडिकल कैडर के 7 श्रेणियों को 4 में विलय कर सकता है। प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले समिति द्वारा जांच की जाएगी और अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। हालांकि समिति के पास इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन रेलवे बोर्ड इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे देता है तो भारतीय रेलवे के इतिहास में ये सबसे बड़े बदलाव होंगे। हम नहीं बोलेगी बात चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों के दिल से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर। हम नहीं